ये वाली क्या नाम है इसका? ये अमेरिकन सोल्ड है। अच्छा ठीक है, जो ये वाले कौन से सर? ये ड्रैगन सोल्ड है। ड्रैगन सोल्ड, वो जो जापानी लोग रखते हैं, थोड़ा फ्लेक्सिबल ब्लेड आता है। ये है राजपूताना तलवार, राजवाड़ी तलवार बोलते हैं। ठीक है, इसका क्या प्राइस है? इसमें रेट अपने पास 1500 से लेके 4-4.5 हज़ार तक का। ठीक है, इसकी क्या खासियत है? ये फौलाद का बनता है। फौलाद में क्या बोलते हैं? ये इजरायली कुफरी और इजरायली कुफरी है ना, ये कार्बन फाइबर का ब्लेड है, इजरायल के लोग यूज़ करते हैं। वो वाली है काफ़ी भारी है ना। ये वाला देख रहे हो, ये भी सेम कोलंबिया है, काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी शानदार, काफ़ी मतलब सेक्सी पीस लग रहा है। देख रहे हो अब, ये है रेनबो चाकू, चाकू भी है और इसका फाइटर भी है। हाँ, दोनों का बोलते हैं उसको फाइटर का, मुशुम मुक्का मारने वाला। आपने देखा होगा मूवीज में, आपने सुना होगा ना, एक मैन में दो तलवार नहीं रह सकती, लेकिन यहाँ रह सकती है। ये पुष्कर है, अब देख रहे हो, एक तलवार निकल गई, अब ये दूसरी वाली तलवार और निकालेंगे। ये देखो, दो तलवार रह सकती है काफ़ी। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम गजराज एंड यू वॉचिंग रुका व्लॉग्स। तो गाइज, अपना जो ऑल राजस्थान राइड चल रही है उसका ये पांचवा व्लॉग है, इससे पहले अपन चार व्लॉग बनाए हैं। तो गाइज आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग, और आपको दिखाता हूँ पुष्कर में जहाँ पे तलवारें सरेआम बिकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना व्लॉग। आपका नाम? महेंद्र सिंह। ओके, तो गाइज इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर शो कर दूंगा, वहाँ से भी आप यहाँ सकते हो। तो अगर हम लोग यहाँ आते हैं कोई, तो आप मतलब होम डिलीवरी कराते हैं यहाँ से? बिल्कुल, हमारा कुरियर का है, ठीक है, डिलीवर होता है, और इंडिया में कहीं पे भी आप मंगवा सकते हैं। अच्छा, कैश ऑन डिलीवरी है सब कुछ। तो ये जितनी भी तलवार है इनके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है? नहीं, लाइसेंस के लिए करता है, क्योंकि ये सब बिना धार के हैं। धार वाला होता तो वो हथियार होता, जब तक इसमें धार नहीं है हथियार, मतलब किसी में धार है नहीं, ये मतलब शो पीस है, मतलब शो पीस में है, शादी में, पूजा में, डेकोरेशन में काम आता है। अगर किसी को धार की ज़रूरत है तो बाद में बनवा सकता है। ठीक है, तो गाइस इनको पूरी डिटेल में आपको बताएंगे हमारे साथ जो ये है सर। ये वाली जो है, ये वाली, हाँ ये वाली क्या नाम है इसका? ये अमेरिका में शोर है। अच्छा ठीक है, जो आर्मी में परेड में सलामी देते हैं ना, वो वाली शोर है। गाइस ये जो आप देख रहे हो, ये है अमेरिकन शोर पूरा, इसमें क्या अभी धार है नहीं, इसलिए अच्छा धार किसी में नहीं है, किसी में नहीं है, अपन तो केवल शो पीस रखते हैं। अच्छा ठीक है, पूरा स्टील का ब्लेड है, स्टील का ही कवर आएगा, फुल साइज का है, 3.5 फुट की लंबाई होती है। ठीक है, दीवार पे भी हैंग हो जाता है, टेबल पे भी स्टैंड हो जाएगा। इसकी रेट कितनी है? ये आएगा 2500 रुपये। 2500 रुपये कम लेंगे तो 900 रुपये से स्टार्ट होता है। ठीक है, और दूसरी बताइए आपको, 900 वाली कौन सी? भाई ये वाली देख रहे, ये कितने की क्या रेट है? ये 900 रुपये की। गाइज ये वाली है 900, ये किस नाम से, मतलब क्या नाम है तलवार? ये सिरोही की सिंगल नारी तलवार। अच्छा ठीक है गाइज, ये है सिरोही की सिंगल नारी तलवार, इसमें रेट कवर आएगा, मतलब ये सारी की सारी शॉप ही है ना, सारी की सारी। गाइस ये वाली आप देख रहे हो, ये गोल्डन, मतलब जैसे गोल्डन गोल्डन पूरा इस पर काम किया हुआ, गोल्डन की हुई है। ये किस कौन सी तलवार है? ये सिरोही की सिंगल नारी ब्रास कवर। गाइस ये वाली जो है, ये भी सिरोही की है, इसको सिंगल नारी सिंगल नारी तलवार लेनी है, ब्रास कवर में। अच्छा, ब्रास कवर में। ये इसका कितना है, कितना प्राइस है? ये 1200 रुपये की है। तो गाइस 900 की आपको दिखा दी, 1200 वाली आपको दिखा, इससे सस्ती है अपने पास? सस्ती में अपने पास 500-600 वाली भी है, वो भी माल तैयार हो रहा है। अच्छा ठीक है, लॉकडाउन से फैक्ट्रियाँ बंद थी। अच्छा ठीक है, और जो फैक्ट्रियाँ चालू हुई हैं। ये वाली कौन सी सर? ये ड्रैगन सोर्ड है। ड्रैगन सोर्ड, वो जो जापानी लोग रखते हैं, थोड़ा फ्लेक्सिबल ब्लेड आता है। ये भी गाइस ये जो देख रहे हो आप, ये देखो, ये जापानी लोग, आप देखा कहीं मूवी में देखा होगा, वो वाली है ये। हाँ, ड्रैगन सोर्ड बोलते हैं इसको ना। इसकी इसकी क्या प्राइस है? ये 2500 रुपये का। 2500 का, ये भी दीवार पर लग जाएगा, ऐसे टेबल पर भी स्टैंड हो जाता है ये। अच्छा ठीक है, ये रजवाड़ी तलवार, राजपूताना तलवार। गाइस ये वाली जो आप देख रहे हो, ये है राजपूताना तलवार, रजवाड़ी तलवार बोलते हैं। ठीक है, इसका क्या प्राइस है? इसमें रेट अपने पास 1500 से लेके 4-4.5 हज़ार तक का। ठीक है, इसकी क्या खासियत है? ये फौलाद का बनता है। फौलाद में? फौलाद के अंदर होता है, ब्रास का हैंडल होता है, लेदर का और ब्रास का कवर होता है। गाइस ये थी राजपूताना तलवार, और भी आपको दिखा दे, बहुत सारे इनके पास आइटम है, चाकू है, बहुत सारे आप देख रहे हो उधर, वो देखो वो क्या बोलते हैं, वो जापानी लोग यूज़ करते हैं, नाम का भी यही बताएंगे अपने को पूरी डिटेल में। वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको पूरी डिटेल दूंगा जी। नहीं, वो इसे महाराजा सोल्ड है ना, सिरोही की तलवार है। ये वाला बताइए, ये सुन रहा है, ये कौन सा, ये बोर का क्या बोलते हैं ना, ये इजरायली कुफरी बोर का। अच्छा, इजरायली कुफरी है ना, ये कार्बन फाइबर का ब्लेड है, इजरायल के लोग यूज़ करते हैं, वो वाली है, काफ़ी भारी है ना।
गाइस ये देख रहे हो आप, ये वाला चूड़ा ये आएगी नेपाली, ये इजरायली कुर्ती, और ये वाली जो आप देख रहे हो ये है नेपाली कुर्ती, नेपाली गोरखा वाली, तो गोरखा देखा वो लोग रखते हैं, ये है वो नेपाली कुर्ती, काफ़ी भारी है यार ये भी, ओरिजिनल बस धार नहीं है, मतलब ये तो टोटल शो पीस है पूरे के पूरे, धार है नहीं ना। ये कौन सी? ये कोलंबिया खंजर है, कोलंबिया खंजर है, पूरा सिंगल प्लेट में होता है, कार का मुश्किल है जी, देख रहे हो आप काफ़ी भारी, मतलब हाथ में आप जिसमें धार नहीं है, क्योंकि अगर धार वाले अपन लेते तो उसके लिए अपने को लाइसेंस रिक्वायरमेंट होता है। ये वाला देख रहे हो, ये भी सेम कोलंबिया है, काफ़ी काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी शानदार, काफ़ी मतलब सेक्सी पीस लग रही है। राइट क्या है? एक ही कटार है ये वाली, ये चाहिए तो वो शादी वाली में पूजा में जो दूल्हा रखते हैं ना, हाँ वाली कटार है, ठीक है, तीन छोटी वाली है। इनको अपने हथियार के जैसे कि मतलब सेफ्टी के लिए यूज़ करी सकते हैं, सेफ्टी के लिए और धार है नहीं तो मतलब इसके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, लाइसेंस नहीं, धार करके घर पे रख सकते हो, अगर 24 घंटे साथ लेके घूमना तो लाइसेंस चाहिए होगा, घर पे धार करके रख सकते हो, इतना बड़ा तो घर पे सब्जी काटने चाकू चूड़े होते हैं, इसके लिए लाइसेंस थोड़ी होता है। ये वाले देख रहे हो अब, ये है रेनबो, रेनबो चाकू, चाकू भी है और इसमें फाइटर भी है, दोनों का बोलते हैं उसको फाइटर, कुछ मुक्का मारने वाला, अब देखा होगा मूवीज में। ये वाली कौन सी? ये एक म्यान में दो तलवार, एक म्यान में दो तलवार, एक वाली तो ये, अच्छा वाह यार गाइस ये देख रहे हो आप, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक बार दोबारा दिखाना सर आप, ये जो कहा मैंने भी ध्यान नहीं दिया, ये कहावत है एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती, आपने सुना होगा ना एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, लेकिन यहाँ रह सकती है, ये पुष्कर है, अब देख रहे हो आप एक तलवार निकल गई, अब ये दूसरी वाली तलवार और निकालेंगे, ये देखो म्यान में दो तलवार रह सकती है, काफ़ी काफ़ी अच्छी चीज़, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात मालूम पड़ी यार, मतलब वो जो कहावत है वो झूठी है, ऐसा होता नहीं है, आजकल सब कुछ मुमकिन है, देख रहे हो आप एक एक म्यान में दो तलवार दिखा दी आपको, ब्लैक कोलंबिया, ये वाला देख रहे हो अब, ये ब्लैक कोलंबिया चाकू है, आरी है, अच्छा ठीक है, ये वाली इधर आरी की लकड़ी वगैरह, ये तो बस टीका लग रहा है यार ना, ये लकड़ी वगैरह काटने के लिए आरी होता है, ठीक है, और ये सामने बिल्कुल चाकू है, ये कोलंबिया का काफ़ी वेरायटी है, मतलब काफ़ी वेरायटी है यहाँ पर, आप देख रहे हो पूरा मार्केट लगता है तलवार का, पूरा मार्केट यहाँ से आप उसके आओगे तो जरूर यहाँ पर विजिट करना एक बार आप, ये देख रहे हो अभी, ये कौन सी तलवार सर? ये भी जापानी, ये से वो जापानी जो जापान के लोग यूज़ करते हैं, वो अपन मूवी भी लेते हैं, देख रहे हो भाई आप, ये पूरी जैसे छाता खुलता है ना बटन से, वैसे पूरी खुलती है, फ्लेक्सिबल है बिल्कुल, ये फ्लेक्सिबल, ये कितने की है? तीन साइज आते हैं, अच्छा ठीक है, मीडियम साइज है, एक छोटा साइज आता है, तीन साइज, ये वाला ये कौन सा, ये छोटा है ना, ये मीडियम है, अच्छा ये मीडियम वाला साइज, ये फुल साइज है, ठीक है, एक इससे भी छोटा आता है, वो 1500 का आता है या 1800, तो आप जैसे अगर हम लोग यहाँ से जैसे घर से आपको मैं अगर ऑर्डर दूँ तो आप होम डिलीवरी कराते हैं, उसका अलग से चार्ज लेते हो क्या आप? नहीं कैश ऑन डिलीवरी होता है, उसी में इंक्लूड चार्ज होता है, अच्छा ठीक है, तो उसका जैसे मान लो अगर चार्ज फ्री होता है, जैसे मैं जयपुर से हूँ, मैं जयपुर से अगर आपको ऑर्डर दूँ तो उसका मतलब क्या चार्ज लेते हो आप, कैसे क्या? जो आपको प्रोडक्ट का चार्ज होता है उसी में कुरियर चार्ज इंक्लूड है, आपको एक्स्ट्रा कोई चार्ज, मतलब जैसे ये आप इसकी रेट कितनी है, जैसे आपको ये 2100 बताया, तो अगर मैं जयपुर से मंगाऊंगा तो आप 2100 में ये वहाँ तक भेज दो, आपको होम डिलीवरी, तो गाइस इसके ये इसके अलावा आपको क्या चाहिए बताओ, अगर आप कहीं से भी बैठे बैठे ऑर्डर करते हो तो जो ऑल इंडिया में अपने कस्टमर को जाता है, ठीक है, ऑल इंडिया में कहीं से भी बन कर सकते हैं, और क्या चाहिए गाइस, अगर यहाँ आते हो आप, अगर यहाँ नहीं भी आते हो, अगर आप मेरी वीडियोज़ भी अगर वॉच कर रहे हो, अगर आपको इनमें से कोई भी, पहली बात तो इनके लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड मैं नहीं, आपको लाइसेंस की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इनमें किसी में धार नहीं है, शो पीस है, अगर आपको इनमें से कोई भी तलवार चाहिए, चाकू छुरे कुछ भी आपको चाहिए, अगर आप मतलब राजपूताना कल्चर के शौकीन हो, ये सब रखने के शौकीन हो, तो आप ऑल इंडिया में कहीं से भी आप ऑर्डर कर देना, आपको होम डिलीवरी फ्री है, जितना चार्ज यहाँ आगे आप अगर जितने में ये चीज़ खरीद रहे हो, मतलब घर पर भी आपको उतने ही आपको उतना ही पे आउट करना पड़ेगा, घर पर आप मंगाते हो तो, और क्या चाहिए आपको? ओके सर, तो गाइज मैंने आपको सारा दिखा दिया है, और भी सर कुछ है आपको इंटरेस्टिंग छोटी जैसा अभी अब लॉकडाउन खुला है तो अभी नई नई वेरायटियाँ बन रही है, ठीक है गाइज अभी आपको मैंने वैसे बताया लॉकडाउन वैसे अपन काफ़ी वेरायटी आ जाएंगी, सही है गाइज, थोड़ा टाइम अपन ने गलत चुन लिया, अपन वहाँ गए थे तो वहाँ बनता तारागढ़ फोर्ट के, वहाँ कुछ देखने को मिला नहीं, अपन महाराणा प्रताप स्मारक वो भी बनता, अभी लॉकडाउन खुला है बस यही है, बाकी मंदिर मेरे को खुला मिल गया, और मंदिर के अंदर वैसे कैमरा अलाउड है नहीं, सर और कौन सी जगह यहाँ पे घूमने जा रहे हैं, वो तो मैं जा रहा हूँ, चलो थैंक यू सो मच सर, बाकी गाइज आगे दिखाता हूँ आपको, अपने इस ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं, आगे साउथरी माता वाला टेम्पल है उसका ब्लॉग अपन आगे बनाएंगे, वैसे अगर आपको ये ख़रीदना हो तो मैं नंबर सर के नंबर आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से आप सर को कॉल करके ये सब चीज़ें खरीद सकते हो। हेलो गाइज वेलकम बैक फ्रॉम अनासागर लेक, इस
जैसे जस्ट पहले मैंने आपको तारागढ़ फोर्ट दिखाया था, उसके बाद अपन पहुंच चुके हैं आना सागर लेक। और जो आना सागर लेक है वो भी कोरोना की वजह से जितनी भी एक्टिविटी होती है आप देख रहे हो उस साइड में, देख रहे आपको इस साइड में देखो बोटिंग वोटिंग है, सारे बंद, सारे बोटिंग वगैरह सारी बंद। जितनी एक्टिविटी थी आप यहाँ पे जितनी भी मतलब एक्टिविटी कर सकते थे वो सारी चीज़ें यहाँ पे बंद है। बाकी काफ़ी अच्छी यहाँ पे एक्टिविटी कर सकते थे, बट अभी जो है कोरोना की वजह से सारा बंद है यहाँ पे। अगर लेके दिखा सकता हूँ क्योंकि कोरोना की वजह से भी सारी बंद है। तारागढ़ फोर्ट तो अपने देख लिया, और कल वाले ब्लॉग में आपने देखा था मैंने आपको किशनगढ़ में वो जो डंपिंग यार्ड था यानी कि मून लेन वो दिखाया था। और नेक्स्ट ब्लॉग तो भाई ये है आना सागर लेक, और यहाँ से अपन निकल चुके हैं और नेक्स्ट आपको लेकर चलता हूँ पुष्कर। आज मैं सफर निकलते हैं और इस रोड अपन चल रहे हैं, ये पुष्कर रोड है। इस बीच में अपना एक महाराणा प्रताप स्मारक पड़ता है, तो वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो गाइस अपन पहुंच चुके हैं आना सागर लेक के बाद में महाराणा प्रताप स्मारक, और ये जो महाराणा प्रताप स्मारक है ये पुष्कर वैली में जहाँ पर पुष्कर जाते हैं अजमेर से, तो उसके बीच में पड़ता है। तो गाइस मेरे पीछे आप देख रहे हो अभी जो जगह खड़े हैं वो है महाराणा प्रताप स्मारक। आप देख रहे हैं पूरा आपको मतलब जो अजमेर सिटी उसका काफ़ी अच्छा मतलब काफ़ी शानदार सा यहाँ से व्यू दिख जाएगा आपको। वो देख रहे हो बिल्कुल वहाँ पे आना सागर लेक दिख जाएगा, ऊपर आप पहाड़ पे देख रहे हो जहाँ अपन गए थे वो तारागढ़ फोर्ट है, और ये है अपना महाराणा प्रताप स्मारक। और इसकी एक और चीज़ आपको बता दूँ, शायद राजस्थान का पहला या फिर राजस्थान में एक ही चीज़ है मतलब यही जगह है जहाँ पर अपना लेजर लाइट शो पहाड़ी भी दिखता है। वो सामने आपको पहाड़ी दिख रही है, उसी पहाड़ी में यहाँ लेजर लाइट शो होता था। एक्चुअली अभी नहीं होता, पहले होता था, अभी क्या कोरोना की वजह से बंद है। और जैसे कुछ हालात अपने बिल्कुल नॉर्मल होंगे तो शायद इसको वापस स्टार्ट करेंगे। और मैंने अभी यहाँ पर मतलब गार्ड से पूछा था कि कब से बंद है, तो वो बता रहे थे कि लगभग इसको बंद हुए 2 साल हो गए, मतलब 2 साल से बंद ही है, तब से कोरोना चला था तब से ये बंद ही है। पुष्कर ब्रह्मा जी का मंदिर, दुनिया का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर, वो भी आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में मैं दिखाऊंगा, तो मेरे साथ बने रहिए। अपन नेक्स्ट वाले ब्लॉग में ब्रह्मा जी के मंदिर में चल रहे हैं, वहाँ पे आपको दर्शन कराऊंगा। उसके बाद अपन चलेंगे सावित्री माता के टेंपल पे, और आपको ब्रह्मा जी का जो कुंड है वो लेक है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो भाई जय, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अपना जो ब्लॉग है कुछ अच्छा बन नहीं पाया है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, आई एम सॉरी। कोशिश तो मैंने बहुत की थी कि आपको पूरा अजमेर मतलब काफ़ी अच्छी तरह मैं एक्सप्लोर कर पाऊँ, बट अभी टाइम ही ऐसा है यार कि अपने एक्सप्लोर कर नहीं पा रहे। तो गाइस अपने ब्लॉग का यही एंड करते हैं, काफ़ी बड़ा ब्लॉग तो नहीं हो, काफ़ी लंबा तो लियो, लेकिन आप लोग बोर हो जाओगे यार, तुमने सारा ही एक में दिखा दिया। तो अगला जो ब्लॉग है वो है अपना पुष्कर वैली का, अपन पुष्कर वैली निकल रहे हैं यहाँ से जस्ट, ये आप मेरे पीछे देख रहे हो तो पुष्कर वैली भी स्टार्ट है यहाँ से, काफ़ी सुंदर है। आप इस साइड देखिए, इस साइड मतलब ज़बरदस्त यार, काफ़ी ज़बरदस्त हरियाली है, आप देख रहे हो पूरा शानदार है। ऐसा लग रहा है जैसे इस साइड देखो, अब ऐसा लग रहा है मनाली आ गया अपन यहाँ से, थोड़ा थोड़ा मनाली वाला आपको फील आएगा। तो भाई जाके चलता हूँ आपको आगे मैं, और भी स्पीति वैली उनकी भी मैं फील कराता हूँ आपको। इसी ये जो ब्लॉग इसको अपन यहीं एंड करते हैं, अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के और अगर आपको थोड़ा सा इतना सा भी अगर ब्लॉग मुझे लगा, मुझे पता है कि अच्छा तो लगा नहीं क्योंकि मुझे खुद को भी ब्लॉग अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर इतना सा भी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। ठीक है आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाता हूँ पुष्कर वाला ब्लॉग, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊँ मैं। और अगर आप लोगों ने जयपुर वाली सीरीज नहीं देखी तो वो भी एक बार आप देख लेना, रणथंभौर वाली सीरीज वो भी आप देख लेना। मैं तो कहता हूँ आप पूरी वीडियो देख लेना, मेरी सारी वीडियो है, सारी काफ़ी अच्छी वीडियोज़ है। ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।